में केंद्रीय परमाणु के नाम में क्या अंतर होगा, इसको आप समझिए। ये जो रूल लिखा हुआ था इन केस ऑफ पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फेयर, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फेयर के केस में नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन एज इट इज, मतलब क्रोमियम आयरन जो नाम आप जानते हो आप लिख दीजिए। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फेयर निगेटिव हो तब उसके केंद्रीय परमाणु के नाम में यानी सेंट्रल मेटल एटम के नाम में परिवर्तन हो जाता है और तब हम इसको Fe को यहां पर हम लोग फेरेट कहते हैं। फेरेट देखो अंत में एट लग गया। यदि यहां पर कॉपर होता ना तो कॉपर नहीं कहते, तब हम लोग उसको कहते क्यूपरेट। आयरन था फेरेट, सिल्वर रहता तो अर्जेंटेट। तो इसका हम एक टेबल आपको यहां पर लिख देते हैं, आपको यह मदद करेगा कि कब हम किसका नाम, जैसे क्रोमियम रहता तो क्रोमेट, कोबाल्ट रहता तो कोबाल्टेट, इस तरह से इसका नाम लिखाता है। बोरोन रहता तो इसको हम लोग कहते हैं बोरेट। तो इस तरह से आपको यहां पर हम एक टेबल लिख देते हैं जो आपको मदद करेगा। सेंट्रल मेटल निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेम इन निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इधर भी हम लिख देते हैं नेम इन पॉजिटिव और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फेयर। जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम CO है, CO कोबाल्ट, तो पॉजिटिव या न्यूट्रल के केस में तो इसका नाम कोबाल्ट ही रह जाएगा, लेकिन निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फेयर में यदि CO है तब उसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट और अंत में क्या लगा देंगे एटी, तो नाम क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। जैसे कॉपर है CU, तो कॉपर को पॉजिटिव रहेगा या न्यूट्रल रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कॉपर, लेकिन निगेटिव रहेगा तो यही क्यों कॉपर क्या कहलाएगा क्यूपरेट। Ag पॉजिटिव या न्यूट्रल के केस में आप सिल्वर जानते हैं, यहां पर इसको ना हम इसका हम लोग नाम अर्जेंटेट कहते हैं। कुछ कंपाउंड का नाम थोड़ा बदला बदला नजर आएगा, जैसे आयरन का भी इस केस में ये कहलाता है फेरेट और यहां ये कहलाता है आयरन। सीआर यहां ये कहलाता है क्रोमियम और यहां पर ये कहलाता है क्रोमेट। बी ये कहलाता है यहां बोरेट और यहां पर ये बोरेन, रेयर सेंट्रल मेटल होता है ये। एच जी मरकरी और यहां कहलाता है ये मरक्यूरेट। आप इसको उतारिए, इसको उतारने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पीटी रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनेट। ओस्मियम रहे तो ओस्मेट, ओस्मियम। निकेल रहे
तो निकेलेट, और इधर ये कहलाता है निकेल। कोबाल्ट, निकेल, जिंक रहेगा जो कि रेयर होता है, जल्दी नहीं रहता है। जिंकेट, जिंकेट उधर रह कहलाएगा जिंक। तो यही सब कंपाउंड है, और भी यदि कुछ याद आएगा तो अब डाल दिया जाएगा। AU गोल्ड, इसको बोलते हैं अयूरेट। MN मैंगनेट, मैंगनीज, इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। अब आगे अब और भी यदि कुछ आएगा तो देख लीजिएगा, इसी तरह से लिखा है। अब उतना हमको ध्यान नहीं आ रहा है, यदि हो सकता है कि छूट भी गया हो तो चेक कर लेंगे, यदि आगे आएगा तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, तो अब क्या है ना कि ये सारा रूल समाप्त हो गया। अब जो जो परेशानी की बात है अब उसको हम थोड़ा क्लियर कर लें, और परेशानी के बाद आपको अब आप नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको परेशानी की अब कौन सी बात है, जैसे आपको लिगेंड का नाम नहीं पता है। लिगेंड का नाम जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप सेंट्रल मेटल का नाम जान गए, लिगेंड का नाम आपको पता नहीं रहेगा। लिगेंड का नाम यदि पता नहीं रहेगा तो फिर आप जान नहीं पाएंगे कि उसका नाम क्या होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड। अब देखिए, नेम ऑफ लिगेंड में ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए आप। इस टेबल में आपको लिगेंड का नाम पता चल जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन लिगेंड निगेटिव होता है, कौन लिगेंड पॉजिटिव होता है, यानी किस पर कितना चार्ज होता है, किस पर कितना लोन पेयर होता है, और इस आधार पर आपको पता चल जाएगा कि वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है। तो हम लोग नेम ऑफ लिगेंड को तीन अलग अलग टेबल में पढ़ेंगे। हमारा जो सबसे पहला टेबल होगा वह होगा नेम ऑफ निगेटिव लिगेंड, यानी अभी जो हमारा पहला केस है वह क्या होगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ निगेटिव लिगेंड वाले को लिखेंगे। तो आप क्या कीजिए कि ये हेरिंग डाल दीजिए, हेरिंग डालने के बाद आप हम टेबल बनाएंगे तो उस टेबल को आपको भी लिखना है। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सारा निगेटिव लिगेंड लिखा हुआ है, और इस सारे निगेटिव लिगेंड में H माइनस हाइड्राइडो, H माइनस जब रहेगा तो हाइड्राइडो, D माइनस रहेगा डिट्राइडो, आइसोटोप है हाइड्रोजन का ये, O टू माइनस रहेगा तो ऑक्सो, OH माइनस रहेगा तो हाइड्रोक्सो, F माइनस रहे फ्लोराइड, फ्लोरो या फ्लोराइडो। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, फ्लोरो और इसी का नाम ना, जिससे यहां पर फ्लोरो या फ्लोराइडो दोनों लिखाता है, उसी प्रकार क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो इस तरह से भी लिखाता है। तो फ्लोरो भी लिख सकते हैं, फ्लोराइडो भी लिख सकते हैं, क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सी ओ थ्री माइनस कार्बोनेटो, सी एन माइनस साइनो, एस ओ फोर टू माइनस सल्फेटो, एस ओ थ्री माइनस सल्फाइटो, एस टू माइनस थायो, ओ टू टू माइनस पर ऑक्साइडो, और सी टू ओ फोर माइनस टू माइनस ऑक्सिलेटो। तो इतना निगेटिव रेडिकल है, इतना निगेटिव रेडिकल नहीं सॉरी निगेटिव लिगेंड है, सब सब पर चार्ज दिया गया है। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि किसका कितना चार्ज है, चार्ज के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट, एक निगेटिव चार्ज तो मोनोडेंटेट, दो निगेटिव चार्ज रहेगा तो बाइडेंटेट, तीन निगेटिव चार्ज रहता तो ट्राइडेंटेट, इस तरह से उसका नाम भी पता चल जाएगा। अब देखिए, लिखने को तो बहुत यहां हम लिख दिए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसमें स्टार लगा हुआ है, तो जितना स्टार वाला है ना ये सब आप जरूर याद रखिएगा। सब याद रहे ना रहे लेकिन स्टार वाला सब याद रखिएगा, जिसमें जितना ज्यादा स्टार है वह उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उस सब को आपको याद रखना है। तो इसको आप जल्दी से उतार लीजिए।
अब हम लिख देते हैं, अब टेबल बदल जाएगा और अब हम पॉजिटिव लिगेंड का केस देखेंगे। या न्यूट्रल का पहले देख लेते हैं, नेम ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। जैसे यहां पर इधर हम लेते हैं न्यूट्रल लिगेंड और इधर लिखते हैं नेम। जैसे H2O को कहा जाता है एक्वा, NH3 को कहते हैं एमीन। हम इसी तरह से टेबल पूरा कर देते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो यहां पर जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं सारे सारे दिए गए हैं। तो यहां पर H2O जिसको हम लोग एक्वा या एक्वो कहते हैं, NH3 एमीन कहलाता है, CO कार्बोनिल कहलाता है, NO नाइट्रोसाइल कहलाता है। तो ये सब आपस में यहां पर लिखा हुआ है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम स्टार लगा देते हैं, इसको आप याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AMM होता है एमीन जब लिगेंड का काम करता है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद इसको आप याद रखिए, बस। तो 1 2 3 4, बस ये चार आपको याद रखना है, बाद बाकी उतना याद रखना जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, यदि जरूरत पड़ा तो अपना देख लीजिएगा। तो इस ये सब हो गया, तो ये सब हो गया न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड जितना भी होता है ना, ये सब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये सब लोन पेयर की मदद से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। निगेटिव लिगेंड निगेटिव चार्ज की वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और पॉजिटिव लिगेंड भी लोन पेयर के द्वारा ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, एक चीज इसमें, यहां पर एक टर्म ये आया था ना, PH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको हम लोग कहते हैं। एक दो कन्फ्यूजन वाला बात हम आपको यहां पर समझा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होता है? जैसे PH3P, पीएच को ही ना याद कीजिए, पीएच को ही ना हम लोग फिनाइल कहते हैं। और आपको याद है ये ऐसा यूनिट हुआ करता था, इसी को ना फिनाइल कहते थे। तो पीएच का 3 है, पीएच का 3 है, तो 3 बार इसको बना लीजिए। और बीच में पी को रख दीजिए, यानी ये इसी को हम लोग कहते हैं PH3P ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ध्यान रहे यही है, नोट करके इसको भी लिख लीजिएगा नोट करके। अब देखो एक बात और, CO देखो एज ए लिगेंड हम लोग इसको कार्बोनिल कहते हैं। नो, बड़ी कंफ्यूजन का चीज है ये। क्या कंफ्यूजन है इसमें, इसको आप थोड़ा समझिए। कभी कभी ना ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको CO का होल 4, और कभी ऐसा लिखा मिलेगा CO NH3 का होल 6 Cl3, ऐसा। अब आप गौर कीजिए, यहां पर जो CO है और यहां पर जो CO है, दोनों में अंतर है। यह है कोबाल्ट। कैसे पता ये चला, पता चला कोबाल्ट है? बाबू ये केंद्रीय परमाणु है, कैपिटल सी स्मॉल ओ कोबाल्ट को कहते हैं, और यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल ओ है। वैसे CO का नाम कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एज ए कंपाउंड, लेकिन एज ए लिगेंड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो ध्यान देना कि CO कैसे लिखा हुआ है, CO ऐसे लिखा हुआ है या CO ऐसे लिखा हुआ है? ऐसे है तो ये लिगेंड है और एज ए लिगेंड इसको कार्बोनिल कहेंगे, और ऐसे लिखा हुआ है कैपिटल सी और स्मॉल ओ तो वो कोबाल्ट है, वो केंद्रीय धातु परमाणु का काम कर रहा होगा, सेंट्रल एटम का काम कर रहा होगा। अब नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड, हालांकि इसका आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, ये सब BSc वगैरह में जाओगे तो जरूरत पड़ेगा। NO+, NO2+,
NH2 NH3 प्लस, ये तीन है पॉजिटिव, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, इसका नाम होता है नाइट्रोनियम और इसका नाम होता है हाइड्राजीनियम। कभी मान लीजिए भूल चूक से जरूरत पड़ गया तो इसको याद रखिएगा, वैसे इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इसको भी आप उतार लीजिएगा। अब एक टर्म आता है उभयदंती लिगेंड, उभयदंती लिगेंड को ही ना हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। अब ये कैसा लिगेंड है भाई, डिफाइन कर लीजिए। लिगेंड विच हैव टू एक्टिव साइट्स इज कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। वह लिगेंड जो दो अलग अलग परमाणु से केंद्रीय परमाणु के द्वारा जुड़ सकता है, परंतु एक बार में केवल एक बंधन बनाता है। या इसको दूसरे शब्दों में यदि डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं वह लिगेंड जिसमें दो सक्रिय परमाणु होते हैं, और करके वह लिगेंड जिसमें दो सक्रिय परमाणु होते हैं। अब ये कैसा लिगेंड है इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, NO2- और दूसरा SCN-। ये दो एम्बिडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल है। अब आप डिफिनेशन लिख लीजिए, हम आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये क्या है कैसे है। देखो NO2-, इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O O-, यही है NO2-। अब यदि कोई केंद्रीय परमाणु मान लो M है तो ये दो तरह से जुड़ सकता है, इसी को हम ऐसे लिखें या फिर इसी को हम ऐसे बना दें, एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यदि तो ये इस निगेटिव चार्ज के द्वारा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये लोन पेयर के द्वारा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लेकिन एक बार में केवल एक ही बॉन्ड बना सकता है, चूंकि दो दो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, एक ही बार में दोनों नहीं बना सकता है, अनस्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करता है ये। तो यदि यहां से बनाया तब और यहां से बनाया तब, जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है और मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना है वह ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज के द्वारा बना है, तो ये भी NO2- मेटल से जुड़ा,
और ये दूसरे तरीके से ऐसे जुड़ सकता है, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस लोन पेयर से जुड़ गया मान लो। तो ये भी NO2 माइनस ही है, ये भी NO2 माइनस ही है, लेकिन ये O से जुड़ा है, ये N से जुड़ा है। ऐसे यदि जुड़ा हुआ हो ना तो ये लिखाता है ONO, और यदि ऐसे जुड़ाता है ना तो ये लिखाता है NO2 माइनस माइनस, और तब इसका नाम भी बदल जाता है। ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीटो O, और ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीटो N। O से जुड़ा तो नाइट्रीटो O, N से जुड़ा तो नाइट्रीटो N। यानी कहीं भी जैसे मान लीजिए Fe और ONO लिखा हुआ है तो इसको हम कहेंगे नाइट्रीटो O, लेकिन यदि यही लिखा रहेगा NO2 माइनस तो इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रीटो N। NO2 माइनस लिखने का मतलब N से जुड़ा और ONO लिखने का मतलब O से जुड़ा। तो एक एग्जांपल था ये पहला। अब आपको हम बताएंगे इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसको या तो कट करना पड़ेगा, देखते हैं। अब दूसरा अगला एग्जाम्पल जो है वह है एस सी एन माइनस। ये बाबू ये वाला चीज एस सी एन माइनस, यदि N से मेटल जुड़े तब, और यदि यही एन सी एस यानी S से जुड़े तब, दोनों केस में नाम अलग होता है। N से जुड़े S से जुड़े तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सॉरी एस सी एन। यदि सल्फर जुड़ा मेटल से तो इसको हम लोग कहते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेस थायोसाइनेटो। और यदि उल्टा कर दें इसको NCS तो इसको बोला जाता है आइसोथायोसाइनेटो। यानी कहीं पर आप एस सी एन लिखा देखें तो थायोसाइनेटो और एन सी एस लिखा देखें तो आइसोथायोसाइनेटो। तो ये था दो एम्बिडेंट लिगेंड जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। नोमेनक्लेचर से रिलेटेड अब आप सारी बात समझ चुके हैं और अब आप सीख सकते हैं इसका नोमेनक्लेचर। सारा रूल खत्म हो गया, सब बात खत्म हो गई। अब तीन एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, तीन या चार जो भी है एग्जाम्पल हम बताते हैं। अब आप गौर से देखिए कि हम अब क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल K4Fe(CN) का होल 6, इसका नाम हमको लिखना है। आपको क्या करना है, इसको आप तोड़ दीजिए, ये टूटेगा बाबू 4K+Fe(CN) का होल 6। हालांकि इसका नाम बिना तोड़े भी लिखा जा सकता है, लेकिन तोड़ने के बाद अभी आप विग्नर्स मतलब नए नए सीख रहे हैं तो आप ऐसे देख लीजिए, आपको इस तरह से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। बिना तोड़े जब पारंगत हो जाएंगे तो कर लेंगे। अब इसका नाम, इधर वाले पार्ट का नाम अलग, इधर वाले पार्ट का नाम अलग। इधर आयनाइजेशन स्फीयर है तो इसका नाम तो आसान है पोटासियम, सोडियम रहता तो सोडियम। इधर का नाम देखिए, देखिए पहला दूसरा रूल में कहा गया था ना कि नेम ऑफ लिगेंड रिटेन फर्स्ट, तो पहले साइनो लिखाएगा। और तीसरा रूल में कहा गया था कि दो बार तीन बार चार बार आए तो डाइट्राटेट्रा का यूज करते हैं, तो साइनो 6 बार आया है तो हम इसको लिखेंगे हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब केंद्रीय परमाणु का नाम हम लोग लिखते हैं। सेकेंड रूल में देखिए नेम ऑफ इनकोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेम ऑफ लिगेंड रिटेन फर्स्ट एंड देन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब हमको इसका नाम लिखना है केंद्रीय परमाणु का। केंद्रीय परमाणु का नाम यानी सेंट्रल एटम का नाम लिखने से पहले आप देख लीजिए कि वो पॉजिटिव स्फीयर है, नेगेटिव स्फीयर है या न्यूट्रल स्फीयर है। बाबू ये नेगेटिव स्फीयर है और नेगेटिव स्फीयर में आयरन को हम लोग फेरेट कहते हैं, रूल 5 देखिए। और यहां पर ब्रैकेट में आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है यहां चेक कीजिए, इसको आप जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जैसे हमेशा सेंट्रल एटम का निकालना होगा तो आप इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। CN कैसा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, नेगेटिव के केस में भी तुरंत बताया गया है कि उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है,
तो एक सीएन पर एक माइनस होता है, तो छह सीएन पर कितना होगा, छह माइनस, तो इसको एक्स हो गया, तो इसको एक्स माने और इसका माइनस सिक्स कर दीजिए और बराबर जितना चार्ज है उतना कर दीजिए माइनस फोर, तो एक्स बराबर आपको आ जाएगा प्लस टू, और ये रोमन में आपको लिख देना, हो गया नाम खत्म, बस इतने तो काम करना है। यानी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट टू। अब इसी में मान लीजिए कि कंपाउंड बदल जाए, हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आप देखिएगा ध्यान से, दूसरा एग्जाम्पल में हम यहां पर के थ्री कर देते हैं, तब ये टूटेगा थ्री के प्लस में और यहां पर थ्री माइनस आएगा, थ्री माइनस आएगा ना बाबू, तो यहां पर माइनस थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस थ्री, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट थ्री, तब ये हो जाएगा, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल सेम टाइप का था, बढ़िया से देख के समझ लीजिएगा, यदि समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। अब हम आपको तीसरा एग्जाम्पल बताते हैं इसका, और डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है ये, सी आर एन एच थ्री का होल सिक्स सी एल थ्री, कैसे टूटेगा ये टूटेगा सी आर एन एच थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस और थ्री सी एल माइनस। हम कैसे अपने मन से थ्री प्लस लिख दिए, हम देख लिए थे यहां कि सी एल तीन गो है, एक सी एल पर एक माइनस तो तीन सी एल पर तीन माइनस, तो ये हो जाएगा थ्री सी एल माइनस, थ्री सी एल माइनस पर थ्री प्लस देंगे तब ना ये न्यूट्रल करेगा। नाम लिखने के लिए एमीन है ये, देखिए न्यूट्रल लिगेंड है ये, छ बार आया तो हेक्सा, एज ए लिगेंड एन एस थ्री को एमीन कहते हैं जिसमें डबल एम होता है, तो हेक्सा एमीन। पॉजिटिव स्फीयर के केस में मेटल के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाम लिख दीजिए क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका मान लो एक्स, ये न्यूट्रल है तो जीरो, एक का जीरो तो छ का जीरो बराबर हो जाएगा प्लस थ्री, यानी एक्स बराबर कितना प्लस थ्री, यहां लिख दीजिए प्लस थ्री, और थोड़ा सा स्पेस दीजिए एज एन आयन, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, हो गया, इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन क्रोमियम थ्री क्लोराइड, क्लियर है। अब आप अगला एग्जाम्पल देखिए, हम कई एग्जाम्पल अभी करेंगे, धीरे धीरे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का मान लो दूसरा एग्जाम्पल है ये, सीओ एन एस थ्री का होल सिक्स बी आर थ्री, इसको तोड़ो तो आप कैसे टूटेगा, ये टूटेगा इस तरह से सीओ एन एस थ्री का होल सिक्स थ्री प्लस और इधर हो जाएगा थ्री बी आर माइनस, एज ए लिगेंड इसको एज एन आयन इसको हम ब्रोमाइड कहेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको ब्रोमो कहिए, बाबू आयन के रूप में ब्रोमाइड है ये, यही यदि बी आर अंदर होता तो ब्रोमाइडो या ब्रोमो कहलाता, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साएमीन, ये कोबाल्ट है, कार्बोनिल नहीं, ये लिगेंड नहीं है, ये सेंट्रल मेटल है, तो ये हो जाएगा कार्बोनिल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका मान लो एक्स, एन एस थ्री न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो बराबर प्लस थ्री, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस थ्री, तो यहां हो जाएगा थ्री, और इसको हम लोग क्या कहेंगे ब्रोमाइड, एज एन आयन उसको हम लोग ब्रोमाइड कहते हैं। जैसे AgNH3 होल टू ओ एच, बाबू ये टॉलेंस रिएजेंट ऑर्गेनिक इन सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप पढ़ो सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़िएगा तो ये टॉलेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के लिए ये यूज में आता है। आप इसको देखिए इसका नाम क्या है, इसको तोड़िए पहले आप, ये टूटेगा AgNH3 का होल टू प्लस और OH माइनस, एज एन आयन इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यही OH यदि अंदर लिगेंड का काम करता तो हाइड्रोक्सो बोलते हैं हाइड्रोक्सो, लेकिन ये निगेटिव आयन है तो आयन के रूप में हम लोग उसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे। नाम कैसे लिखाएगा इसका, दो बार एमीन है तो डाय एमीन, पॉजिटिव पार्ट है तो सिल्वर ही रहेगा, अर्जेंटेट नहीं कहलाएगा। इसका x मान लो, इसका न्यूट्रल होता है तो x प्लस जीरो बराबर प्लस वन, तो x बराबर हो जाएगा प्लस वन, तो यहां पर वन रोमन में लिख दीजिए और स्पेस देके लिख दीजिए हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया।
तो इसका भी नाम काम खत्म। अब कुछ और एग्जांपल, FeCO का होल फाइव। अब ध्यान देना, ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है, यह लिगेंड का काम कर रहा है। कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल है। तो पांच आया तो पेंटा, सीओ को एज ए लिगेंड कार्बोनिल कहते हैं, तो कार्बोनिल न्यूट्रल के केस में आयरन ही कहलाएगा ये। और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, इसका मान लो एक्स, ये न्यूट्रल होता है तो एक्स प्लस जीरो बराबर, कोई चार्ज टूटेगा ही नहीं तो जीरो, एक्स बराबर जीरो, तो यहां पर आपको जीरो लिखना पड़ेगा। हो गया इसका काम खत्म, तो इसका नाम भी लिखा गया। तो ये बेहद आसान है, बहुत भारी नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, CO EN का होल फाइव, सॉरी CO EN का होल टू और H2O का होल टू। अब थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं, इसको देखिए टूटेगा कैसे बाबू, ये टूटेगा CO EN का होल टू H2O का होल टू थ्री प्लस और थ्री Cl माइनस, ऐसे टूटेगा ये। एक Cl पर एक माइनस तो तीन Cl पर तीन माइनस, तो इस तरह थ्री प्लस देंगे तब ना न्यूट्रल होगा। अब देखो एज ए लिगेंड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इथिलीन डायमीन, ये ई से स्टार्ट होता है। और H2O को एज ए लिगेंड क्या बोलते हैं, एक्वा, ए से स्टार्ट होता है। तो पहले लिखाएगा कौन, एक्वा, ए अल्फाबेटिकल सुपीरियर है, ये दो बार आया है तो डाय एक्वा। अब देखिए इथिलीन डायमीन दो बार आया है, अब इसके लिए हम डाय जैसे ही लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इथिलीन डायमीन में पहले से डाय है रूल फोर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्वा के बाद लिखेंगे बीस, और बीस के बाद ऐसे ब्रैकेट देके भी लिखा जाता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बीस के बाद ये हो जाएगा इथिलीन डायमीन। तो आप ऐसे ब्रैकेट देके लिखिए या डायरेक्ट ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायक्वा बीस इथिलीन डायमीन। अब देखिए इसका नाम खत्म, इसका नाम खत्म। पॉजिटिव के केस में कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहेंगे, तो ये हो गया कोबाल्ट। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मान लो एक्स, ये हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, बराबर हो जाएगा प्लस थ्री, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस थ्री, तो यहां हो जाएगा थ्री, और ये तो क्लोराइड है। हो गया काम खत्म, बन गया नाम, लिखा गया नाम। इस तरह से आप इसका भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। अब हम आपको कुछ एग्जांपल घर से बनाने के लिए दे देते हैं, जिसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके नाम को हम लिख देंगे। या फिर लिखेंगे नहीं, आप लोग बना के अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन देख के बनाइएगा, उससे भी बनेगा। यहां पर आपको 18 कंपाउंड दिया गया है और ये आपका होमवर्क है। इस सभी कंपाउंड का नाम आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में सारे नाम को लिख के डालिए कि आपको क्या क्या आता है, तो समझेंगे हम कि आप कितना ज्यादा समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो भी दिक्कत हो आप बात कीजिएगा तो हम समझा देंगे, परेशानी आपको नहीं होगी। ऐसे नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इस सबको बना देने का, लिख देंगे ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। हम बस आपको एक और बात आपको बता देते हैं, इसमें देखो कहीं कहीं ना चार्ज दिया हुआ है, सी टू प्लस, टू माइनस, थ्री प्लस, प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चार्ज दिया है कोई दिक्कत नहीं है। नाम कैसे लिखेंगे इसका हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं, कोई एक बता देते हैं। जैसे हम आपको ये वाला बताते हैं, इस पर भी चार्ज है, पहले तो आप सबको एक तरफ से उतार लीजिए फिर हम इसको मिटा देंगे। ये क्वेश्चन IIT 2011 में पूछा था, तो इस सबको आप उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर हम आपको आगे एक वो बता देते हैं, कुछ और विशेष बात बता देते हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। देखते हैं कितना कंपाउंड का नाम आपसे लिखा था, हम इसका नाम लिख देते हैं। देखो इसका नाम लिखना आसान है, यदि ये सिर्फ ऐसा लिखा हुआ रहे, चार बार एमीन आया है तो चार के लिए टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, और जिंक, जिंक के केस में हम लोग इसको पॉजिटिव है तो जिंक ही बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा, एक्स प्लस 0 बराबर प्लस 2, एक्स बराबर प्लस 2, चूंकि ये न्यूट्रल लिगेंड। ये लिखने के बाद ना स्पेस के बाद आप आयन लिख देना बाद में, क्योंकि कोई भी चार्ज स्पेसीज आयन कहलाता है। तो यहां तक पहुंचने के बाद में क्या लिख देना, यहां पर आयन, बस हो गया। चाहे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, जैसे इसका नाम लिख देना, अंत में लगा देना आयन। यदि चार्ज है तो आयन लगा देना, नहीं तो बाद में कि अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट का तो नाम ऑलरेडी लिखा ही जाएगा। अब आप बुक का हेल्प लीजिए, बुक का प्रॉब्लम बनाइए, ये सब प्रॉब्लम बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके कमेंट का इंतजार करते रहते हैं, काफी इंतजार रहता है आपके कमेंट का, लाइक का, तभी तो हमें पता भी चले कि आप कर क्या रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन सभी बातों को लिख देंगे। जैसे पीछे एक कंपाउंड दिया गया था ना, एफ ई ई डी टी ए माइनस, मतलब ये उसी तरह से नाम लिखाएगा, इसी को हम लोग इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट फेरेट 3 आयन, चूंकि माइनस है बाद में तो 3 आयन लग जाएगा। अब बनाइए, बनाइएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। अब इसका एक छोटा सा टर्म हम आपको बता दें, प्रभावी परमाणु संख्या, एक इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड के लिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ईएएन से इसको सूचित किया जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग ईएएन से सूचित करते हैं। अब ये जो प्रभावी परमाणु संख्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या है समझिए आप इसको। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को ईएएन कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम इन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये होता है। अब ये क्या है इसको समझिए आप, इसको वीडियो पॉज करके आप अपना लिख लीजिए। जैसे K4FeCN का होल 6, ये कंपाउंड है, इसमें आयरन परमाणु के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो निकालना है। वो यदि आप निकाल लिए तो उसी को हम लोग इसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और ये निकालना बेहद आसान है, हम आपको इसका एक फॉर्मूला बता देते हैं जिससे आपको ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बाबू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या बराबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उपसंयोजन संख्या, टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड बनाता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। हिंदी में मैं यदि इस फॉर्मूला को लिखूं तो ईएएन बराबर होगा केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या माइनस, आप हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए, इतना अब हिंदी में मैं नहीं लिख सकता,
तो ये होगा। अब एक एग्जाम्पल इस पर देखिए, आप एकदम आसानी से इसको समझ जाइएगा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर केंद्रीय परमाणु की परमाणु संख्या माइनस केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या। इसको सुन के आप लिख लीजिए, के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स। अब सब चीज पहले आप एकत्र कर लीजिए। आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? एटॉमिक नंबर का, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप इसका निकाल लीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? तोड़ दीजिए इसको, 4K प्लस में टूटेगा और ये टूटेगा एफ ई सी एन का होल सिक्स, 4 माइनस में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आएगा x, इसका माइनस 6 बराबर माइनस 4, एक्स बराबर आएगा प्लस 2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? एक सी एन एक कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाता है तो 6 सी एन 6 कोऑर्डिनेट बोर्ड बनाएगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6 और एटॉमिक नंबर आया 26। तो कोऑर्डिनेशन, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा? 26 माइनस 2 प्लस, सॉरी यहां पर इस फॉर्मूला में गड़बड़ी है, ये होगा 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्लस 2 इंटू 6। जब आप निकालोगे इसको जोड़ोगे ना तो ये आ जाएगा 36। छब्बीस में से दो घटा देंगे तो 24, 6 दुना 12, 24 12 36, इस तरह से निकलेगा। तो ये बेहद आसान है। हम आपको एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, अगला एग्जाम्पल खुद आप करेंगे। जैसे CrH2O का होल 6 Cl3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कैसे? CrH2O का होल 6 3 प्लस और 3 Cl माइनस में टूटेगा ये। इसका मान लो x, ये न्यूट्रल होता है तो 0 बराबर प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा प्लस 3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। H2O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6H2O 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। अब आप निकाल दीजिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर यानी 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 3, तो लिखना पड़ेगा प्लस 3, तो प्लस 3 नहीं प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितना हो जाएगा? 24 माइनस 3 21 प्लस 12, आप निकालेंगे कितना आएगा? 34। इस तरह से कुछ कंपाउंड हम आपको दे देते हैं, आप इसको घर पर बनाइए। होमवर्क में वो 18 नंबर था, होमवर्क का ये 19 नंबर क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। K3FeCN का होल 6 आपको बताना है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? CONH3 का होल 6 Cl3, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? AgNH3 का होल 2 OH, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये 20 रख लीजिए, ये 21, ये 22। NiCO का होल 4, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा? ये सब आपको बताना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये सब का निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर डाला गया, टोटल 22 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिया गया है, ये सब को बनाइए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म इसका स्टार्ट होगा, सेकेंड पार्ट, बॉन्डिंग इन कंप्लेक्स कंपाउंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉन्डिंग इन कंप्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट होता है ये, और बहुत ज्यादा समझने वाला चीज है, जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा।
जो भी होमवर्क दिया गया है उसको आप बनाइए, और जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बिल्कुल शांत दिमाग से देखिए, पढ़िए, समझिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके कमेंट का ध्यान रखा जाएगा। हो सके तो कमेंट में हम बता देंगे या फिर वीडियो लेक्चर में ढंग से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।